ग्रीड अलकापुरी में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस के नेता यश सिन्हा के नेतृत्व में दर्जनों युवा महिलाओं ने युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त की। इस अवसर पर भूमि शर्मा, खुशी सिंह, इशरत परवीन, सबीना परवीन, रूबी सुल्तान, विद्या देवी, गुड्डी देवी, कंचन देवी, सुरुचि देवी, सुमा देवी, ज्ञानी देवी, नीतू देवी, सुदामा देवी, सारो देवी, मुस्कान परवीन, छोटी परवीन ने पार्टी के सदस्यता ग्रहण की। इन सभी का महिला कांग्रेस के अध्यक्ष दुर्गा शर्मा ने माला पहनकर स्वागत किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता यश सिन्हा ने बताया कि लगातार युवा कांग्रेस से पूरे जिले में युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम जारी है और आगामी चुनाव को देखते हुए संगठन को धारदार बनाने के लिए युवाओं के बीच राहुल जी का पैगाम पहुंचाकर युवाओं को पार्टी की विचारधारा से प्रभावित करने का काम किया जा रहा है एवं पार्टी द्वारा निर्देशित हर घर खटाखट कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाना और उन्हें यह बताना कि यह कार्यक्रम राज्य की गठबंधन सरकार द्वारा किए जा रहे हैं लगातार जारी है। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष बिलाल अहमद हुसैनी, जिला एससी सेल के अध्यक्ष संतोष दास, देवरी प्रखंड के राम नारायण दास सहित जम्मू विधानसभा क्षेत्र की कई महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। आज गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की ओर से महिलाएं एवं बहनों को गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई, जिसमें हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के संदेशों को बताया गया कि हमारे नेता का कहना है कि महिलाओं को उनकी भागीदारी मिले, इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने महिला न्याय की बात की थी और भागीदारी की भी न्याय की बात की थी। हम उसी मुद्दे पर आज गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस में महिलाओं की सदस्यता दिलाए और अपने संगठन में महिलाओं की भागीदारी हो, इस बातों को सुनिश्चित किया।